नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुबोध डिजिटल यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डिलीट मोबाइल नंबर कैसे निकालना है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे डिलीट मोबाइल नंबर आप बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। कितना भी पुराना मोबाइल नंबर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की मदद लेना पड़ेगा, उसी के माध्यम से जो है आप अपने फ़ोन में जितने भी सारे डिलीट नंबर हुआ सारे नंबर आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको टाइप करना है ई, ठीक है, और यहाँ पर लिखना है टू, और आपके सामने E2PDF एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, नीचे जो है ऑप्शन है कंटिन्यू का, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां से आपसे पूछेगा जनरल कॉल लॉग हो गया, तो जो दो नंबर पर ऑप्शन है जनरल कॉल लॉग का ऑप्शन जो है इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा आप कितने दिन का जो है नंबर यानी कि नंबर निकालना चाहते हैं। तो हमें नंबर निकालने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया ये फरवरी है, तो हमें चाहिए पिछले मंथ का, जनवरी का चाहिए। जनवरी पे क्लिक करेंगे, डन पे क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ से जनवरी और फरवरी का जो भी कॉल डिटेल है वो सारा आ जाएगा। यहाँ पे एक PDF का हम नाम रखेंगे, जो भी नाम रखना चाहते हैं PDF का नाम आप रखेंगे। उसके बाद जो है आप एक्सपोर्ट टू PDF पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहे तो यहाँ पे कॉल डायल कॉल का नंबर निकाल सकते हैं, ओनली डायल कॉल का। जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई मेरे मोबाइल पे किसी ने कॉल किया था, जो मिस कॉल आया था उसका नंबर मुझे चाहिए, उसका नंबर मुझे मेरे फ़ोन में डिलीट हो गया है, तो हम यहाँ पर जो है डायल कॉल ही पे टिक मार्क करेंगे। अगर मिस कॉल का चाहिए तो मिस कॉल पे क्लिक करेंगे, और आप अगर चाहे तो ओनली मिस कॉल है, ओनली रिसीव कॉल है, ओनली डायल कॉल है, लेकिन हमें कॉल लॉग यानी कि जो कॉल में जो भी होता है यानी कि जो डायल किया गया, जो मिस कॉल है, जो रिसीव कॉल है, वो सारे हमको चाहिए। तो हम एक्सपोर्ट टू PDF पे क्लिक करेंगे। ये आपको एक PDF बना करके देगा, ठीक है, ये PDF बना करके देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है कितना समय तक बात हुआ था, कॉल टाइप में आपको देख लेंगे कि ये कॉल डायल किया गया है, रिसीव किया गया है। उसके बाद यहाँ पे डेट आपको दिखाई देगा, ठीक है। फिर इधर आएंगे तो आपको नंबर दिखाई देगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर बहुत सारे नंबर अवेलेबल है। तो इस तरीके से नंबर आपको दिखाई देगा, नंबर यहाँ से निकाल सकते हैं। हम आपको ये पूरा नंबर नहीं दिखा सकते, तो इस तरीके से आप नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो गाइस जी, ये वीडियो छोटी सी वीडियो में मैंने आपको जानकारी दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं।